अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी लिंक और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा, 18 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज सुमला में और आपके छेवें घर में होगा, जो के अच्छी और फायदामंद इकदामात को फरोग देने का बाइस बनेगा। आज के दिन आप मसलहत से काम लेते हुए अपने मामलात को फरोग देंगे। आपकी तर्ज ज़िंदगी में हम आहंगी ना होने की वजह से आपके मिजाज में उतार चढ़ाव होने की वजह होगी। मोहब्बत के मामलात में आपकी ज़ाती ज़िंदगी के तलुकात को फ़रोग देने की आपको ज़रूरत है। माली लिहाज से अगर आपके नज़रियात और मफादात तरतीब में होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़ायदेमंद इकदामात और फ़ायदा हासिल होगा। बुरज सौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को स्यारवी महरकात की जानिब से अपने तख्लीकी और ज़ाती ज़िंदगी की तब्दीलियों को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। आज के दिन आप अच्छे मूड में रहेंगे। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी ज़्यादा हम आहंग रहेंगे। इखलाकियात को फ़रोग देने के लिए आज के दिन आप पुरसकून होते हुए इकदामात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आपकी ख्वाहिशात को फ़रोग दिया जाएगा। माली लिहाज से आपको काफ़ी सारी सहूलियात दी जाएंगी। अपने मुनाफे की शरह को बढ़ाता हुआ देख के आपको अपने मफादात में इजाफा करने की भी ज़रूरत महसूस होगी। बुरज जौजा, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज सुमला में और आपके चौथे घर में होगा, जो के ख़ानदानी मामलात को फ़रोग देने का घर होता। इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी मामलात पर सोच विचार करेंगे और माजी से मुंसलिक मामलात को लेकर आज के दिन परेशान हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपकी तवज्जो के मुंतजिर रहेंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से सहूलियात पहुँचा कर मज़ाकरात को फ़रोग देने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। कारोबारी लिहाज से आज इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पूरी हो जाएंगी। ये गैर मतवक्का मौके आपकी खुशियों में काफ़ी ज़्यादा हद तक इजाफा करेंगे। बुरज सरतान, आज इर्द गिर्द मौजूद लोग आपकी ज़िंदगी में अहम करदार अदा करेंगे। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज सुमला में और आपके तीसरे घर में रहेगा, जो के तलुकात को फ़रोग देने में मददगार साबित होता है। समाजी लिहाज से आपके प्यारों की सपोर्ट आपको हासिल होगी। दूसरों पर यकीन रखे बगैर अपने इकदामात करें तो आप बेहतर कर सकते। मोहब्बत के मामलात में आपके जज्बात की आज कदर की जाएगी। माली लिहाज से आपको काफ़ी मौके हासिल होंगे, जो कि कामयाबी के रास्तों को खोलने का सबब बनेंगे। मुलाजमत के हवाले से ये वक्त मसाली साबित होगा। बुरज असद, आज के दिन चांद बुरज सुमला में और आपके दूसरे घर में, जो के आमदनी को कमाने और मादी खुशहाली को लाने का बाइस बनता है। आपका जोश खुशकिस्मती लाने का बाइस बनेगा।
अंदरूनी सुकून को हासिल करने के लिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। परेशानियों को कम करने के लिए आपको जिस भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इससे आपको सब्र तहमल से काम लेने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में आपको मोहतात अंदाज अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। माली लिहाज से आज के दिन आपको अच्छे मौके हासिल होंगे। बुरज संभला। आज के दिन चांद आपके पहले घर में होगा, जो कि आपकी जात में मुस्बत तब्दीलियां लाने का बाइस बनेगा। आप जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जिएंगे और अपनी ज़िंदगी की अहम तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए मुआमलात को भी फ़रोग देंगे। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने मुआहिदों में मुस्बत तौर पर अपने मुआमलात को पूरा लाजमी जांचें। मोहब्बत के मुआमलात में आप थोड़े जज्बाती मुआमलात को फ़रोग देंगे। माली लिहाज से आपको अपने मुआमलात को मुनज्जम करने की ज़रूरत है। मुश्किल सूरतेहाल से बिल्कुल भी ना भागें। कारोबारी लिहाज से अच्छे मुनाफे को फ़रोग देंगे। बुरज मेज़ान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज संभला में और आपके बारहवें घर में रहेगा। इस बुरज से मुंसलिक अफराद ऐसे फैसलों को फ़रोग देते हैं जिनमें आपके ख़ानदान वालों की मर्ज़ी होती है। आपकी ज़िंदगी में आज गैर मतवक तब्दीलियां सामने आएंगी। सूरतहाल आपके लिए बिल्कुल पुरअमन रहेंगे। माली लिहाज से परेशान ना हो। अल्लाह ताला के करम से मामला आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मुलाजमत के हवाले से आपको जो भी काम दिया जाएगा, इसको नज़रअंदाज ना करें और मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन लापरवाही से काम ना लें, ये लापरवाही आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बाइस बन सकती है। बुरज अकरब। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज संभला में और आपके ग्यारहवें घर में रहेगा। ये घर समाजी तलुकात को फ़रोग देने का घर होता है। ख्वाब और हकीकत के दरमियान आपको समझौता करने की ज़रूरत है। अब वो वक्त है जब आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने और अपने मकासद की जानिब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने तलुकात को आगे बढ़ाने के लिए आज के दिन आपको फ़ायदेमंद तब्दीलियां लाने की भी ज़रूरत है। मुलाजमत की तलाश, वो अफराद जो के भटक रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए खुद को अपने मामलात में डालने की कोशिश करें। बुरज कौस। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज संभला में और आपके दसवें घर में रहेगा। आप जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने लिए कामयाबियां लाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। आज के दिन आप कुछ मामलों को लेकर काफी ज्यादा सोचेंगे। अपनी सरगर्मियों को लेकर आपको मुश्किल सूरतेहाल का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत के मामलों में कुछ जज्बाती फैसलों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस्तराब में मुब्तला हो जाएंगे। माली लिहाज से आपको अपनी सरगर्मियों को मुनज्जम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। बुरज जद्दी। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद बुरज संभला में और आपके नौवें घर में रहेगा, जो के जात का मुहासबा करने और फौरन अपनी जात में तब्दीलियां लाने का बाइस बनता है। जिंदगी
पहले ही अच्छी तरह से गुजर रही थी और अब भी और अच्छी सिमत में मुंतकिल हो रही है। आप कुछ भी ऐसा ना करें जो कि आपको अपने रास्तों को या अपनी मुआमलात की ज़िंदगी को बदलने पर उकसाए। अपने दिमाग और मुख्तलिफ जाविये से ज़िंदगी को सोचने की नज़रों को देखें। कारोबारी लिहाज से आज के दिन आपको अपनी अमली इकदामात को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़ायदा देगा। बुरज दिलू, आज के दिन चांद बुरज सुंबला और आपके आठवें घर में रहे, जो के ज़िंदगी के मुआमला को मुंसलिक करता है। आपकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी मुआमला हो सकते हैं। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद की ज़िंदगी में अभी काफ़ी मुआमला चल रहे हैं और आप अपने मुआमला को बेहतर बना सकते हैं। खुद को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों से फ़ायदा उठाने को तरजीह दें। मोहब्बत के मामलों में आपको ख़ास तौर पर अपने मुस्बत इकदामात करने की ज़रूरत है। माली लिहाज से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। कारोबारी लिहाज से अपने काम को लेकर आप कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। बुरज हौत, इस बुरज से मुंसलिक अफराद का चांद आपके सातवें घर में रहेगा, जो के बुरज सुंबला में है। इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए अपने पास मुआमला को फ़रोग देने के तख्लीकी मौके होंगे। खुद को मसाली सूरतहाल के लिए वफ़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत ज़्यादा काम करना आपके लिए परेशानी लाने की वजह बन सकता है और इन सब के अलावा अपने दिन को लेकर मंसूबाबंदी करने की आपको ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलों में आज के दिन आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं। माली लिहाज से आज के दिन आपके पास शानदार मौका होगा, इससे फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।